चलो फटाफट शेयर कर दो क्लास को, सेशन को शेयर कर दो फटाफट। कितने लोग हैं यहाँ पे अभी, कितने लोग हैं? वेलकम एवरीबॉडी। कितने लोग हैं एक बार हैशटैग में लिख दो। हैशटैग में चलो, पूर्वी इज हियर, विद्या इज हियर। अच्छा दिस इज थोड़ा सा टाइटल में मिस्टेक हो गया। दिस इज एएमए सेशन। एएमए सेशन मतलब हाउ यू कैन prepare for CAT in like the remaining time, ठीक है? इसके ऊपर session है। So if you have anything to ask regarding strategy, feel free to ask. Welcome, welcome, welcome. अच्छा ये ना, अच्छा sorry. इन दिस सेशन ना, दिस यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। उसके कंफ्यूज मत होना, टाइम इज 6 था हेडलाइन, बट इट्स गोइंग द अदर वे अराउंड। ये स्ट्रेटजी सेशन है, ठीक है? सो इफ यू आर टारगेटिंग कैट कैट 2021, तो ये अगर आपको कुछ भी डाउट है दिमाग में रिगार्डिंग DILR, बी स्पेसिफिक टू DILR, ठीक है, फॉर कैट 2021, I'll share my plan, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन we will, if you have to ask something, feel free to ask regarding DILR, anything, जो भी आपको पूछना है। This is not a, you know, the practice session. This is not a practice session. अच्छा जुलाई है ना, ये जुलाई का लास्ट महीना है, लास्ट डेट है। How to prepare for LRDI from July for CAT 2021 by self studies. ठीक है, क्या बुक फॉलो कर सकते हो, क्या मॉक्स दे सकते हो, कहाँ से दे सकते हो, क्या दे सकते हो, एक्स वाई जेड, ये आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, एनीथिंग लाइक सच, कुछ भी कंसर्न है, फील फ्री टू आस्क। इफ यू गाइस हैव एनी कंसर्न, फील फ्री टू आस्क, ठीक है? मीनवाइल यू शुड बी लाइक segregating your preparation into three phases. Yes, obvious है, ठीक है? एक हो गया basic phase, दूसरा advanced phase, and third is mocks. ये आपका तीन phase होना चाहिए ideally. Basic, advanced और mocks. Yes, sorry guys, ठीक है? बेसिक में क्या करना है आपको, एडवांस में क्या करना है, और मॉक्स कितने करने हैं, कैसे करने हैं, वो डिस्कस करने वाले हम लोग, ठीक है? बेसिक्स में क्या करना है, एडवांस में क्या करना है, और मॉक्स कितने, क्या, कैसे, वो डिस्कस करने वाले। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक फेज, ठीक है? बेसिक फेज एग्जैक्टली है क्या, कोई क्लियरली बताता नहीं एग्जैक्टली है क्या, कि मैं समझता ही नहीं है क्या बेसिक, ठीक है? बेसिक से मेरा क्या मतलब है, बेसिक से मतलब है क्या, डी आई एल आर का सिलेबस निकालो, ठीक है? डी आई एल आर में कोई फिक्स डी आई एल आर का कोई सिलेबस है नहीं वैसे, ठीक है? फिक्स सिलेबस कोई नहीं है, ठीक है? आप कोई भी बुक देखोगे उसका सिलेबस डिफरेंट है, किसी भी एडुकेटर के पास जाओगे उसका सिलेबस डिफरेंट है, कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल लोगे उसका डिफरेंट है, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि DILR का कोई भी वेल डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं। क्वांट का है, क्वांट में इन ऑल द बुक्स यू विल फिगर आउट द सेम टॉपिक्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट, ब्ला 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 ब्ला, इन द सेम ऑर्डर। वेलकम वेदांश। लेकिन DILR में कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है?
ठीक है। सो विथ एक्सपीरियंस सब लोग अपना अपना सिलेबस लेकर आते हैं। गुड इवनिंग बेटा, वेदांश ए एम ए सेशन है, आस्क मी एनीथिंग, आपको कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग प्रिपरेशन तो वो पूछो बिंदास, ठीक है, कुछ भी पूछना है तो डी आई एल आर को स्पेसिफिक होके, लेकिन नॉट वी आर सी, नॉट क्वांट, ओनली फॉर डी आई एल आर, ठीक है। सो दिस इज वन सिलेबस दैट आई हैव फ्रेम्ड विच आई फॉलो, ठीक है, विच टेक्निकली कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ध्यान दो, लॉजिकल रीजनिंग में लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, तेज वेलकम बेटा, कंपैरिजंस, कंपैरिजंस में शेड्यूलिंग भी काउंट हो जाता है, टीम सिलेक्शन, बाइनरी लॉजिक, व्हाट इज बाइनरी लॉजिक, तो बाइनरी लॉजिक इज वन सच टॉपिक जहां पे यू डील विद ट्रुथ टेलर, लायर, अल्टरनेटर्स, ओके, वेन डायग्राम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूब्स एंड कीवर्ड्स स्लाइटली इंपॉर्टेंट, स्लाइटली, ठीक है, एंड डीआई बेस्ड लॉजिक, ये है एलआर का सिलेबस दैट आई फॉलो एंड आई रिकमेंड। DI के लिए tables, bars, pie and line, these are for traditional DI. Tables, bar graph, pie chart, line graph, case sets, maximization, minimization, ये हो गया, games and tournaments, roots and networks and logical DI, ये सब modern में आ गया, recently आ रहा है इस type के question, recently आने लगे अभी। आपने क्या करना है ना, आपने क्या करना है basic phase में, इन सारे topics की theory करनी है properly, ठीक है, थियरी के लिए आप लाइक यू कैन फॉलो एनी सोर्स यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो आशीष कुमार एंड टॉपिक का नाम, आपको मेरे सबके ऊपर लेक्चर्स मिल जाएंगे, लीनियर सब जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ना इसमें, इन सबके ऊपर लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, सबको करना क्या बस आशीष कुमार एंड टॉपिक का नाम लिख देना, बट कीप इन माइंड दोस वीडियोस आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, वो वीडियोस केवल बेसिक इन नेचर है, डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि वो वीडियोस करने के बाद आप कैट में फोड़ दोगे या फिर ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आप कैट में फोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। कोई भी टॉपिक उठाना, सपोज आपने मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन लिया, अस्यूम करो कि आपने मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पिक किया, इसकी थ्योरी देखो 10 से 15 सेट सॉल्व करो, कितने वेदांश PYQs और CAT level questions, अच्छा ठीक है, तो अभी आंसर दे दूं, वो आगे आने वैसे भी डिस्कस करने वाले हम लोग, वैसे भी वो डिस्कस करने वाले हैं, आपको अभी आंसर दे दूं या फिर कैसे बोलो अभी, ठीक है। देखो हम लोग ना, यू आर प्लस सब्सक्राइबर, तो हम लोग प्लस के ऊपर इस मंथ के लास्ट तक सिलेबस हो जाएगा, DI हाफ हो चुका है, DI का हाफ लॉन्च होने वाला है तो फिनिश हो जाएगा, LR भी लॉन्च होने वाला है, इस मंथ के लास्ट क्लास तक सिलेबस हो जाना चाहिए, एंड लास्ट के 3 मंथ्स रिकमेंडेड है PYQs और CAT लेवल क्वेश्चन के लिए, लास्ट के 3 मंथ्स, ठीक है, जिसमें लास्ट के 2 महीने आप PYQs और CAT लेवल क्वेश्चन के साथ साथ मॉक भी दोगे, ठीक है, ये रिकमेंडेड है, एंड बिलीव मी 3 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट, 3 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट आफ्टर लाइक कवरिंग दिस बेसिक फिक्स, 3 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट। चलो तो कोई भी टॉपिक लेना, उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, 10 टू 15 क्वेश्चंस, 10 से 15 बहुत हो गए, एंड मूव अहेड, और ऐसा नहीं कि सर्कुलर के 10 से 15 क्वेश्चन कर लिए तो सर्कुलर का हर क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन करके आप केवल लैंग्वेज से फेमिलियर होते हो, ठीक है, पूरा का पूरा आप यू डोंट गेन मास्टरी ओवर द टॉपिक, ठीक है, तो एक बार ये सबका हर एक टॉपिक का बेसिक करने के बाद 10-15 सेट करो, आगे बढ़ो, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई भी रिलेवेंट सोर्स अगर नहीं है, इफ नॉट एंड यू आर डूइंग बाय सेल्फ स्टडी प्लस के हो तो टेंशन ही नहीं, इफ यू आर डूइंग सर तो सारे कोर्स की वीडियो एक बार खुद सॉल्व कर ले, हाँ बिल्कुल, आप तो वैसे भी डीआई का फॉलो कर रहे हो प्लस के ऊपर, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे जाके हर एक टॉपिक का नाम लिखो और मेरा नाम लिखो साथ में, आपको मिल जाएंगे क्लासेस,
ठीक है, वहां से आप आपका बेसिक क्लियर कर सकते हो। वंस यू आर डन विद दिस, आइडियल टाइम इन दिस फेज शुड बी, इसके लिए आइडियल टाइम जो है वो 1 मंथ है। 1 मंथ में इट शुड बी डन, एंड इससे ज्यादा का काम है भी नहीं, 1 महीने में हो जाता है। ओके, देन यू नीड टू मूव टू द सेकंड फेज, दैट इज द एडवांस फेज। एडवांस फेज, व्हाट इज एडवांस फेज? वंस यू आर डन विद द बेसिक फेज, वंस यू आर डन विद द बेसिक फेज, आपको एग्जाम लेवल सेट्स करने हैं 300। कितने? 300। ठीक है, 50-60 किया तो 50-60 किया, ठीक है, मतलब अच्छे सिचुएशन में आ जाओगे। बट स्टिल मैं 300 का मैंने बार इसलिए रखा है कि 300 अगर आपने कर लिया तो आपके स्किल्स बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, सो 300 एग्जाम लेवल सेट्स। अब ये सेट्स मिलेंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात, वेयर टू फाइंड दीज लेवल ऑफ सेट्स? देयर आर टू ऑप्शंस। ओके, provided you are working on your own, या फिर आपने कहीं किसी कोचिंग में ऑफलाइन या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है अकॉर्डिंगली। अगर आपने कहीं कोचिंग में एडमिशन ले रखा है, योर मेंटर्स शुड प्रोवाइड इट। ओके, मेंटर्स जो एक्सपीरियंस मेंटर्स होते हैं ना, दे हैव देयर क्वेश्चन बैंक, दे हैव देयर क्वेश्चन बैंक। ओके, वहां से आपको मिल जाएगा। If not, अगर आप सेल्फ स्टडी फॉलो कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देन मॉक्स में, तब कहां मिलेंगे आपको? मॉक्स में। सर इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल नहीं है क्या क्वेश्चंस? बेटा नहीं है ढंग के क्वेश्चंस इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल। इंटरनेट पे ढंग के फ्री क्वेश्चंस अवेलेबल? हाँ, अनअकैडमी के लिए आप देखो, अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हो ना आपके पास, आप देखोगे अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास दोनों भी सपोर्ट है, आपके पास दोनों भी सपोर्ट है। यू हैव मेंटर्स, यू हैव मॉक्स। ठीक है, आप ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100+ मॉक्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ मिले होंगे, 8-10-15 मिले होंगे। ठीक है, टोटल 100+ मॉक्स मिलेंगे। लास्ट में भी ओवरलोड द प्लेटफॉर्म विथ मॉक्स। ओके, एंड यू हैव मेंटर्स एज वेल। आप इमेजिन करो ना, LRBI के कितने मेंटर्स है, मतलब I am one of them। रवि सर है, लाइक रिया है, और रिया हर क्लास में सेट्स करवाती है, इफ यू नो हर, लाइक बहुत सारे फैकल्टीज है। ठीक है, सो और मैं भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, मतलब अगर बेसिक्स खत्म हो जाएगा मैं भी करूँगा। लास्ट ईयर मैंने जून मिड में शुरू कर दिया था, जून मिड से नवंबर तक 700+ सेट्स करवाए थे लास्ट ईयर, एंड यू हैव मॉक्स एज वेल। सो प्लस वाले गाइस आर ओवरलोडेड विद कंटेंट। ठीक है, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बेटा फ्री के चक्कर में मत जाना, गूगल पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको जो भी सही लगता है ना, जिससे भी सेटिस्फाइड हो, लेकिन वो आपको मिलेंगे मॉक्स में ही, अपडेटेड मॉक्स। तो अपडेटेड मॉक्स कहीं से उठा लो और उसके क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंड में नहीं सॉल्व करना है। मॉक उठाया आपने, मॉक बाय किया प्रैक्टिस के लिए, मॉक लिया, मॉक का क्वेश्चन उठाया और आराम से कर रहे सॉल्व उसको, कितना भी टाइम दे रहे, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है इस फेज में। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। तो इट नीड्स टू बी डन, और ये वो फेज है ना जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। ये वो फेज है जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। ठीक है, आपको मजा आएगा। 40-50 क्वेश्चन करने के बाद शुरू में पटकोगे, लेकिन अगर प्रॉपरली एनालिसिस करते हो, अगर क्वेश्चंस कर रहे हो ना, 40-50 के बाद क्वेश्चंस निकलेंगे, और निकलेंगे तो आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यस ये कर सकते हो आप। लास्ट फेज है अटेम्प्ट एटलीस्ट 30 फुल लेंथ मॉक्स, ये टाइम बाउंड में। ठीक है, ये किसमें? टाइम बाउंड में फुल लेंथ मॉक्स। अगर आप डायरेक्टली बेसिक से मॉक्स पे जंप करते हो ना, एक तो सेल्फ स्टडी करते हो, अगर उसमें भी बेसिक से मॉक पे जंप करते हो, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टमैटिक नहीं है। ठीक है, यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, और देयर माइट बी केस वेयर यू वुड बी डीमोटिवेटेड एंड यू माइट स्लो डाउन योर प्रिपरेशन एंड यू माइट स्टॉप। ठीक है, DILR कॉन्फिडेंस का गेम है। ठीक है,
ये स्टेप आपने मिस नहीं करना है एडवांस का। अपने सेट्स उठाने हैं, सॉल्व करना है, सेट्स उठाने हैं, सॉल्व करना है, सेट्स उठाने हैं, सॉल्व करना है 300 प्लस सेट्स। ये गलती कभी मत करना। बेसिक से डायरेक्टली मॉक्स ये पाप नहीं महापाप है। नहीं ज्यादा लोग है नरसिम, ऐसा नहीं है, वो आपको गलती दिख रहा है। हाँ यस 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 ज्यादा है। ठीक है चलो ओके। अगर आप सेल्फ से कर रहे हो और आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ पूछना है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई डाउट वगैरह नहीं, ठीक है, डाउट वगैरह इज अ फीचर ऑफ प्लस स्टूडेंट या प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। स्ट्रैटेजी वगैरह सर कैसे करें, कहाँ से करें, सेल्फ से करो या फिर प्लान लेके करो, वो मैटर नहीं करता है, स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है। यू गैस कैन रीच मी आउट ऑन माई चैनल एन अकेडमी अंडरस्कोर आशीष, रीच आउट करो एंड वी कैन विल डिस्कस इट ओवर जैसे भी पॉसिबल। चलो और ये फेज ना, ये 300 एग्जाम लेवल सेट्स करने में इट विल टेक यू रफली 2 months, इट विल टेक यू रफली 2 months, 1 month बेसिक्स, 2 months एडवांस, और इसी में लास्ट 15 डेज में यू विल बी स्टार्टिंग मॉक्स एज वेल। ठीक है, गुड इवनिंग वर्मा। चलो अब आपके आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, सर अरुण शर्मा हम फॉलो करते हैं, सर अरुण शर्मा सब फॉलो करते हैं, ठीक है, आपके पास बुक का कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान दो। अब मार्केट में देखोगे DIR के लिए बुक अरुण शर्मा, और कोई बुक है? एक आधा बुक आपके पास निशित के सिन्हा है, गौतमपुरी है, लेकिन निशित के सिन्हा का सिलेबस कहीं और ही जाता है, गौतमपुरी बड़ा बेसिक लेवल का है, ठीक है, ले देखिए एक ही बुक बचता है आपके पास, वो है अरुण शर्मा, एंड अरुण शर्मा इज गुड इनफ फॉर द बेसिक फेज। अरुण शर्मा इज गुड इनफ LOD 1, 2, 3 तीनों भी। हाँ मैं तो ले रहा हूं ना, मैं तो ले रहा हूं ना, ठीक है। सो आई फाइंड डिफिकल्टी इन क्यूब सेट, किसी भी टॉपिक, क्यूब की बात छोड़ो शिवानी, किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी आने का एक ही रीजन है, ठीक है। आपने प्रॉपर थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके क्यूब में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विजुअलाइजेशन, तो प्रॉपर थ्योरी और उसके बाद कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस प्रॉपर एनालिसिस के साथ अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। रैंडम क्वेश्चंस रैंडमली उठा के सॉल्व करोगे विदाउट कवरिंग थ्योरी पार्ट, तो डिफिकल्टी आएगी आएगी। आप डायरेक्टली अगर क्यूब के क्वेश्चन उठा के सॉल्व करोगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी, ऑब्वियस है। एक रिकमेंडेशन ये है कि आप अगेन क्यूब्स सर्च करो यूट्यूब पे अलोंग विथ माय नेम, अगर आपके पास और भी अच्छा रिसोर्स है तो गो एंड फॉलो दैट इफ यू फील लाइक, लेकिन अगर कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है बेटा तो यूट्यूब पे सर्च करो क्यूब एंड माय नेम, आपको क्यूब के ऊपर मेरे क्लासेस मिल जाएंगे, उसमें मैंने थ्योरी भी करा रखी है और क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, ठीक है, तो दैट माइट हेल्प यू, थ्योरी भी करा रखी है और क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो दैट माइट हेल्प यू। इनमें से कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक उठा लो, ओके। अच्छा क्यूब वाले देखे सारे और क्वेश्चन सॉल्व किया है शिवानी, उसके बाद भी अगर डिफिकल्टी आ रही है तो आपके क्वेश्चन के साथ ट्राई टू रीच मी आउट, एक बार हम देखते हैं, ठीक है। DI बेस्ड लॉजिक में बहुत प्रॉब्लम है, इजी है नरसिम्हा, देखो थोड़ा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि DIR में आपको पता है कि इट इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ द 3 अनडाउटेडली, मतलब सर इज वर्बल लॉजिक क्वेश्चंस गिवन इन कैट, वर्बल लॉजिक मतलब बेटा आप किसकी बात कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब बोल रहे हो क्या? वर्मा एक बी स्पेसिफिक विद सम टॉपिक, हाँ नहीं वो कैट का पार्ट नहीं है, मतलब चांसेस आर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट,
आप ऐसा तो नहीं बोलोगे जीरो चांस है, बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। जीरो चांस क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे भी कैट ने सिलेबस डिफाइन करा नहीं है डीएलआर का। अभी हम लोग का देखो वेदांश, हम लोग का डीआई में क्या क्या बचा है। डीआई का जो नेक्स्ट कोर्स आएगा ना, डीआई का जो नेक्स्ट कोर्स आएगा उसके टॉपिक्स होंगे केसलेट्स, नंबर वन उसके टॉपिक होंगे केसलेट्स, केसलेट्स, मैक्सिमा मिनिमा होगा उसका टॉपिक, उसका टॉपिक होगा रूट्स एंड नेटवर्क्स, उसका टॉपिक होगा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ठीक है, नहीं शिवम 6 बजे का टाइम इन वो कभी नहीं ले रहे, ठीक है। वो लेक्चर एक्चुअली कैंसिल किया है और उस लेक्चर को स्ट्रेटजी लेक्चर पर कन्वर्ट किया है, ठीक है। टाइम इन वो ऐसे नहीं था, टाइम इज बड़ा डिस्टेंस था, ठीक है, लेकिन बच्चों ने बोला कि आज वो अवेलेबल नहीं है फॉर एक्स वाई जेड रीजन। मेरे पास ये न्यूज आया कि आधे बच्चे अवेलेबल नहीं है, सो वो हमने कैंसिल किया और उसकी जगह हम लोगों ने ये कर लिया, ठीक है। वो कल होगा, वापस कल होगा, ठीक है। तो वेदांश ये है हमारा नेक्स्ट कोर्स का कंटेंट, और इसके बाद हम बोल सकते हैं हमारा डीआई हो गया। एक चीज बचेगा, एलआर बेस्ड डीआई अभी नहीं होने वाला है, टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस। नरसिम्हा कल आपने अटेंड किया था ना, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 15 क्वेश्चन तक किया था, करेक्ट। अभी अभी उसमें और 45 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 45, 60 क्वेश्चंस हम हमारे शीट में है, टोटल 60 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस करने हैं। कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, जितने होंगे होंगे कल 1.5-2 घंटे में, 2 घंटे में, फिर परसों करेंगे, ठीक है। और इतने में आपका बेसिक्स हो जाएगा क्लियर। ये 60 क्वेश्चंस करने के बाद टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस में बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, आपने बस प्रैक्टिस करनी थोड़ी और, दैट्स इट, ठीक है। जो प्लस पे जो क्वांट डेडिकेटेड फैकल्टी है उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है एडवांस लेवल की, बेसिक्स आपका हो जाएगा, बेसिक्स आपका हो जाएगा। चलो, आपके दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, और आपको लाइक नीडल स्टिच गम स्टिक, अच्छा ये हो गया ना, एनालॉगी हो गया, ये नहीं आता है बर्मा, चांस ही नहीं है, ये चांस ही नहीं है, ये एनालॉजी हो गया, ये चांस ही नहीं है बेटा, ठीक है। 0% चांस, 0%, ओके। चलो, आपके दिमाग में और भी कुछ है, कुछ आपके दिमाग में कुछ भी है क्वेश्चन तो फील फ्री टू आस्क, एंड स्टिक टू डीआईएलआर, स्टिक टू डीआईएलआर। दिमाग में और भी कुछ है तो फील फ्री टू आस्क। चलो, तो एक काम ये कर लेते हैं, और क्या करेंगे सर, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पिन कर देता हूँ, इफ यू गाइस विश टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट। तो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया है, इफ यू विश टू ज्वाइन इट यू कैन ज्वाइन इट, इफ यू हैव नथिंग टू आस्क देन वी विल स्टॉप इट फॉर दिस सेशन। ग्रेट,